प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा की है, लेकिन कांग्रेस ने कृषि कानून को वापस लिए जाने के फैसले को किसानों की जीत करार दिया है। नगर के जयस्तंभ चौराहे पर किसानों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की। इस दौरान किसानों के आंदोलन में शहीद हुए 700 से ज्यादा किसान आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि भी दी गई। वहीं दिल्ली की सिंधु बॉर्डर पर आंदोलन में पहुंचे रावेड़ खेड़ी के किसान अनिल बिरला एवं दीपक बिरला खामखेड़े का भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप सिंह भाटिया, बाबूलाल जैन, नीलेश रोकड़िया, प्रवीण शर्मा, राणा राजेंद्र सिंह, आकाश दागी सहित कांग्रेस नेता एवं किसान मौजूद थे। कांग्रेस की इस आंदोलन में क्या भूमिका रही? कांग्रेस के इस आंदोलन के सबसे पहले इसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया था, माननीय राहुल जी ने इसका विरोध किया और कांग्रेस की भूमिका रही। किसान, सभी किसान आंदोलन जितने भी किसान संगठन हैं उन्होंने सबने मिल करके ये आंदोलन किया है। ये किसी एक पार्टी का आंदोलन नहीं है, ना किसी राजनीतिक पार्टी का आंदोलन, किसानों का आंदोलन था और कांग्रेस पार्टी उस पर सहयोग कर रही थी। अभी शीर्ष नेतृत्व के माध्यम से जो जानकारी मिली है उस हिसाब से अभी आंदोलन खत्म नहीं होगा। जब तक पूरे संसदीय प्रणाली के हिसाब से कानून खत्म नहीं होते और उसके साथ कानून खत्म करने के साथ एक जो प्रमुख मांग है कि MSP भी लागू हो, उसको लेकर भी अभी सरकार से बात होगी, उसके बाद आंदोलन खत्म होगा। अभी तो आंदोलन चलेगा।